वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जगदियां होने वाली माता तेरी सदा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। तत्रैव गंगा च यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वतीश्च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतद्वारकथा प्रसंगः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धेन ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के वांग्मय स्वरूप श्रीमद्भागवत रसामृत का पान कर रहे भगवान के भक्तों में जो अर्थार्थी भक्त हैं, जिज्ञासु भक्त हैं, आर्त भक्त हैं, उनकी जो संसार में स्थिति है पूर्ण पराकाष्ठा, भाव की पराकाष्ठा नहीं होती उनको प्राप्त। ऐसे भक्तों का भी श्रीमद् भागवत में वर्णन है, क्योंकि वो भी परंपरा से अपने उस भाव की पराकाष्ठा की ओर ही निरंतर अग्रसरित हो रहे हैं। भगवान के बहिर्मंडल में भी उनका स्थान हो सकता है, परंतु अंतर्मंडल में स्थान करने के लिए भाव की पराकाष्ठा, भगवान में रस की पराकाष्ठा होनी चाहिए। भाव की पराकाष्ठा भगवान के महाभाव में है, रस की पराकाष्ठा भगवान श्री कृष्ण के नित्य लीला में प्रवेश से होती है। परंतु जिनकी अभी भक्ति आर्त भक्ति है, संसार में दुखी हैं, दुख की निवृत्ति के लिए भगवान की भक्ति भी कर लेते हैं, परंतु मूलतः उनके संस्कार कर्मों में ही, ऐसे कर्म में आसक्त जीवों के लिए ही भगवान कहते हैं, ना कश्चित् क्षणमपि कर्तुं कर्म कर्मकृत्, एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। मन से, वाणी से, पंच ज्ञानेन्द्रियों से, पांच कर्म इंद्रियों से जीव के सतत स्वप्न जागृत सुषुप्ति सब अवस्थाओं में कर्म होते रहते हैं। ऐसे कर्म में आसक्त रहने पर कर्मों का जो पूर्ण फल तो यही है कि उसे अधिक से अधिक कर्मों से स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के ऐश्वर्य में लोक की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म में हम जो आनंद की प्राप्ति करते हैं अथवा उस कर्म से होने वाले फल की प्राप्ति कर लेते हैं, तो ये फल भी जो है भोग की कोटि में है। भोग की इच्छा निवृत्त नहीं होती, उस भोगों से होने वाले रस अथवा आनंद की प्राप्ति की जो वासना है समाप्त नहीं होती। ऐसे जीवों के लिए कर्मों का जो त्रिविध रूप है, कर्म, उनका भोग और उनका आनंद, ऐसे जीवों के लिए ही जो संसार में इस स्थिति से अधिक ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए भगवान का बहिर्मंडल में स्थान है। बहिर्मंडल में भगवान के इस प्रकार कर्म में आसक्त जीव ही रहते हैं, उनके लिए तीनों प्रकार की स्थितियां हैं। जो संसार में कर्म करते हैं
उनको कर्म करते हुए अहंकार की भावना रहती है, कर्तृत्व भाव की, कर्तृत्व बोध की भावना रहती है, भोक्तृत्व बोध की भावना रहती है, तो उन्हें ऐश्वर्य में, लोकों में, जो भगवान का बहिर्मंडल में लोक है उसमें उनको किसी प्रकार के अधिकार से युक्त किया कर लिया जाता है भगवान, अथवा उनकी योग माया के द्वारा, भगवान की शक्ति के द्वारा उन अधिकारों को निर्वहन करते हुए उनकी स्थिति उस भगवान के ऐश्वर्य में लोक में है। परंतु ये स्मरण रखना चाहिए कि ऐसे ऐश्वर्य लोकों में जो जीव की स्थिति है, कर्म में आसक्त अहंकार पूर्वक जिनके कर्म होते हैं उनमें आसक्त रहने की जो उनकी स्थिति है, तो वो ऐश्वर्य में लोक माया से सर्वथा रहित नहीं है, प्राकृत भाव से सर्वथा रहित नहीं है। उनमें जो भी अधिकार उनको प्राप्त होता है उसके निर्वहन के लिए उसमें रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इन तीनों गुणों में से किसी न किसी गुण की विशेष प्रधानता होती है, अथवा सभी गुणों में यथा समय उनका प्रयोग करने के लिए उन अधिकार संपन्न जीवों की स्थिति होती है। परंतु जो कर्म करते हुए निष्काम भाव को प्राप्त होते हैं, जिनका कर्म में फिर मन नहीं रहता, अथवा अपने अवस्था भेद से अथवा काल के भेद से कर्मों के अनुसार जो उसको फल की प्राप्ति होती है, उस फल के भोग में ही वो रह करके इंद्रियों से, मन से, अंतःकरण से उनके फिर आसक्ति पूर्वक कर्म नहीं होते, उनके लिए फिर जो कर्म का फल भोग है वो ही प्रधान है। ऐसे जीवों के लिए भगवान के ऐश्वर्य लोक में उसी प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है कि वो निरपेक्ष भाव से, अधिकार से, किसी प्रकार के अधिकार से रहित हो करके केवल भोग्य वस्तु की वहाँ प्राप्ति होती है। परंतु वो भोग संसार के भोगों की तरह नश्वर नहीं है, बहुत काल तक जब तक उनके पुण्य कर्म संचित रहते हैं तब तक उनकी प्राप्ति रहती है। एक और कोटि के भी भक्त हैं जो ज्ञान विज्ञान से युक्त रहते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति जिनकी रहती है संसार के में, उनके द्वारा जो कर्म होते हैं वो निष्काम भाव से कर्म होते हैं, उनको उस कर्म से कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहता, उसमें स्वार्थ बुद्धि से कर्म नहीं होते, अहंकार बुद्धि से कर्म नहीं होते। ऐसे जीवों ने यदि भगवान में भाव नहीं लगाया, यहीं तक उनकी सीमा बनी रही, तो उनको फिर भगवान के उस ऐश्वर्य में लोक में आनंद की प्राप्ति मात्र रहती है। तीनों प्रकार के जीवों में जो आनंद अथवा रस की प्राप्ति के लिए अपने कर्मकांड में प्रवृत्त होते हुए जो रस की अपेक्षा उनको रहती है, आनंद की अपेक्षा रहती है, जो मोक्ष का स्वरूप है वही स्वरूप है, सब प्रकार के दुखों से रहित होकर के परमानंद में निमग्न रहना, ये मोक्ष का स्वरूप है। इस मोक्ष के स्वरूप में जो आनंद तत्व है, परम तत्व है, उसमें भाव की प्राकाष्ठा न होने से ही इस प्रकार भगवान के बहिर्मंडल में स्थान होता है। जिस प्रकार हमारी कर्म में रुचि है, जिस प्रकार हमें आसक्ति है, जिस प्रकार हमारे प्रियजन स्वजनों में आसक्ति है, तो उसी तरह उसके अनुरूप ही उनको माइक तत्वों का जहाँ सन्निवेश बना रहता है, ऐसे ऐश्वर्य में लोक लोकांतरों में उसकी स्थिति होती है। ये भी भगवान की जो कृपा है उससे युक्त होने के कारण उसे अपने कर्मों के अनुसार विशिष्ट ऐश्वर्य में गति की प्राप्ति होती है। यदि हमारे इसी प्रकार कर्मों में आसक्ति रही, तो हम भगवान के अंतर्मंडल में प्रवेश करने से अपने को उस प्रकार हमारा सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा। इसलिए भगवान के अनंत लोक हैं, अनंत ऐश्वर्य में लोक हैं, जिसकी जैसी कर्मों में निष्ठा होती है, कर्मों में जिस प्रकार के संस्कार उसके होते हैं उसी के अनुसार उसकी गति होती है। परंतु ऐश्वर्य में लोकों में जो हमारी गति है उससे काल की गति से अपने को हम रहित नहीं कर पाते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो स्थिति है इसका प्रवाह नष्ट नहीं होता,
जो विधि और निषेध की धारा है उससे हम रहित नहीं हो पाते, क्योंकि संसार के कर्मों में उचित अनुचित का विवेक करते हुए हम कर्म करते रहे। हानि लाभ की दृष्टि से ही हम संसार के कर्म करते रहे, सुख की प्राप्ति आनंद की प्राप्ति की वासना से ही हम कर्म करते रहे, लोकेष्णा से युक्त होकर के हमारे कर्म होते रहे। इसलिए उस अहंकार पूर्वक कर्म करने से तो माया के क्षेत्र से अपने को रहित नहीं कर पाते। को विधि को निषेधा निस्त्रगुण्य पथि विचरता, यदि प्रकृति के गुणों तक ही हमारी सीमा रही तो ये विधि निषेधमय जो संसार का स्वरूप है, ऐश्वर्य में लोक लोकांतरों का स्वरूप है, वहीं तक तुम्हारी गति हुई। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज, ऐसे भगवान के अनंत ऐश्वर्यमय लोक हैं, धाम हैं। ऐसे लोक ऐश्वर्यमय धाम जहाँ भगवान का ऐश्वर्य प्रधान स्वरूप है, भगवान के अवतारों में जो संसार के ऐश्वर्य की ही अपेक्षा रखते हैं, जिनको भगवान के उस रूप में आ सकती है, तो उनके लिए भगवान उन्हीं विविध ऐश्वर्य में लोक लोकांतरों की संकल्पना करते हुए उसको अपने कर्मों के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार, चेष्टा के अनुसार उसको तत्त्वत लोक लोकांतरों में उसकी स्थिति होती है। सुखदेव जी महाराज, ऐसे लोक लोकांतर भगवान के जहाँ विभूतिमय स्वरूप विद्यमान रहते हैं, भगवान के विभूति में स्वरूप भगवान के अनंत धामों में अनंत जीवों की चेष्टा के अनुसार भगवान उन विभिन्न धामों में विभिन्न ऐश्वर्य लोकों में प्रतिष्ठा उनकी रहती है। ये भारत के भूभाग में जो हमारी कर्म भूमि है, उस कर्म भूमि में जैसे हमारे द्वारा कर्म होते हैं, उस कर्म में जो अहंता ममता की भावना सर्वथा निवृत्त नहीं होती, उसी से हमें प्रकृति के राज्य में ही प्रवेश करने को मिलता है, भाव राज्य में हमारा प्रवेश नहीं होता। ऐसे कर्म क्षेत्र भारत में जो भगवान के ऐश्वर्य में महानारायण रूप से हमारे हृदय में सत्कर्मों के प्रति आकर्षित करने के लिए जो शास्त्र मर्यादा का पालन करते हुए हमारे द्वारा कर्म हो इसके लिए चिंता करते हैं, असत कर्मों में हमारी बुद्धि ना हो, ऐसे महानारायण जो भारत के वासियों को विशेष रूप से जो उनमें आसक्त रहते हैं, तो उनको इस प्रकार भगवान की विलास में स्वरूप महानारायण की कृपा प्राप्त होती है। अपने आराधनी शक्ति के साथ वो अपने जीवों पर कल्याण करते हैं। ऐसे महानारायण और उनकी आराधनी शक्ति कि इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्याय अनंताय वक्ताय नमः। हे भगवान, आप अनंत गुणों से संपन्न हैं, अव्यक्त होते हुए भी अभिव्यक्ति के स्वरूप में आप विद्यमान हैं, आपके हम शरण में हैं, अपने भक्तों पर उनके सारे संकट दूर करने वाले आप हैं, भवाप हम ताम भव भाव मिश्र। हे भगवान, यद्यपि आप मायिक शक्तियों का संचालन करने वाले हैं, माया गुण चित्त वृत्ति भी ही जहाँ जहाँ आपकी कृपा आपकी दृष्टि जाती है वहाँ जीव मायिक गुणों में रहते हुए शास्त्र विधि शास्त्र मर्यादा के अनुसरण करते हुए अपने कर्मों को कभी सकाम भाव से कभी निष्काम भाव से करने का प्रयास करता है। हे भगवान, ये कर्म की ग्रंथियाँ हैं जिसके कारण हम माया के राज्य में प्रवेश करते हैं। मायाम जनो यम गुण सर्ग भोविता, आपके श्री चरणों में हमारे भाव हो जिसके कारण ये माया के गुणों में होने वाला जो हमारा प्रवेश है वो निरस्त हो जाए। तस्में नमस्ते विलयोदय आत्मने, भगवान के उस महानारायण की कृपा से जिससे हमारा अंतःकरण शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए विधि निषेध में कर्म करता है, सकाम अथवा निष्काम भाव से कर्म होते हैं हमारे। इसी तरह भगवान का एक ऐश्वर्य में लोक है जहाँ भगवान
सृष्टि के आदि में जो है ग्रीव को संहार करने के लिए भगवान का विलासमय रूप है, जो धर्म की वेदों की मर्यादा को पुनः स्थापित करते हैं, उन भगवान के ऐश्वर्य लोक में जो वास करते हैं, वैदिक कर्मकांड के में प्रेरित होकर के ही वैदिक धर्म का अनुष्ठान करने के कारण ही वो भगवान के उस ऐश्वर्य में लोक में वास करते हैं। वहाँ वास करने वाले जो भक्तजन हैं भगवान के इस मंत्र से ध्यान करते हैं, जप करते हैं, ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः। हे भगवान, जब तक हमारा चित्त निर्मल नहीं होता, अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही हम कर्म करते हैं, इसलिए जो धर्म का स्वरूप है अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। ऐसे धर्म का, वैदिक धर्मों का आप ही स्वरूप हैं, आपको हमारा नमस्कार है। भगवान के स्तोत्र से पाठ करते हैं, हे भगवान, ये आपकी जो माया है बड़ी विचित्र माया है, अद्भुत माया है, जो संसार में जीव इस भौतिक देह की स्थिति को ही हमेशा बनाए रखने के लिए अपेक्षा करता है, अपने प्रियजनों, अपने स्वजनों, परिजनों के अपने सामने विरहित होते देख करके, जाते हुए देख करके उनको यही लगता है कि हमारी स्थिति बनी रहे, ये बड़ा आश्चर्य है। नृत्य पुत्रम पितरम जीविषति वदन्ति विश्वम कवयास नश्वरः। यद्यपि महापुरुषों के द्वारा हमें ये दृढ़ भाव प्राप्त होता है कि संसार नश्वर है, संसार के हर जितने भी भाव हैं, चिंतन हैं, नश्वर हैं, परंतु फिर भी हम संसार की माया से मुग्ध होकर के संसार के कर्मों में आसक्ति पूर्वक प्रवृत्त रहते हैं। सुविस्मितम कृत्यमजम नतोस्म्यम। हे भगवान, आप ही संसार की उत्पत्ति, संसार की रक्षा, संसार का संहार करने में कारण हैं। सर्वात्मनि व्यक्तिरिक्ते च वस्तुतः। इस भगवान के ऐश्वर्य लोक में रहने वाले जो वैदिक धर्मों के प्रभाव से भगवान के इस लोक में वास करते हैं, उनको इस प्रकार नमस्कार करते, तस्मै नमस्ते विस्ते हिताय च। हे भगवान, जिसमें हमारा कल्याण हो उसका संपादन करें। भगवान के ऐश्वर्यमय लोकों में जो नरसिंह भगवान का लोक है, नरहरि लोक, उसमें प्रहलाद आदि भक्तजन अपने आसुरी शक्तियों में रहते हुए भी भगवान के साथ युक्त रहते हैं। ऐसे प्रहलाद आदि भक्तजन उनके इस मंत्र से स्तुति करते हैं, ओम नमो भगवते नरसिंहाय। हे भगवान नरसिंह, आपको नमस्कार है, तेजोमय स्वरूप हैं, वज्र के समान नखों से, वज्र के समान दाढ़ों से हमारे कर्म की ग्रंथियों को निवृत्त करें, हमारे हृदय में प्रविष्ट होने वाला जो तमोगुण है उसका प्रभाव ना रहे। जब तक संसार में हम भेद बुद्धि से प्रवृत्त होते हैं, तब तक संसार में भय बना रहता है, शोक मोह भय बना रहता है, उससे हमें निवृत्त करें। अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठाम मुक्षरम। इस मंत्र का जप करते हुए प्रहलाद आदि भक्तजन केवल अपने लिए ही नहीं, सभी में भगवान की भावना हो, सभी में भगवत बुद्धि से कर्मों का संचार हो। मनस्तु भद्रम प्रवतम अधोक्षजे। हे भगवान, ऐसी कृपा करें कि चराचर जगत जो आपका ही स्वरूप है, उसमें वास करने वाले भक्तजन आपकी हेतु की भक्ति का संपादन करें। यद्यपि प्रकृति के गुणों से के प्रभाव में आकर के जीव पुत्र कलत्र धन धाम आदि में आसक्त रहता है, परंतु आसक्ति भी भगवान के कारण होनी चाहिए। भगवान सभी में व्याप्त हैं, ऐसे भगवान से हम अपने मन प्राण आत्मा को समर्पित करने की दृढ़ भावना करें। स्तोत्र पाठ करते हुए प्रहलाद आदि भक्तजन भगवान के इस ऐश्वर्य में लोक में इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपकी जो हृदय में भाव भक्ति प्राप्त हो जाती है तो उसमें फिर लौकिक गुणों का आकर्षण नहीं रह जाता,
परंतु जो भगवान की भक्ति से रहित रहता है तो नाना प्रकार के मनोरथों में लगा रहता है, भटकना उसका समाप्त नहीं होता। इसलिए भगवान हमारे अंतः हृदय में जो रजोगुण है, राग है, द्वेष है, विषाद है, क्रोध है, मान है, स्पृहा है, जो बार बार संसार के आवागमन की प्राप्ति के कारण हैं, उससे हमें निवृत्त करके नृसिंह पादम भजताम को तो आपके श्री चरणों से फिर हमें इस प्रकार अंतःकरण की दूषित स्थितियों का कोई भय नहीं रहेगा। इसी प्रकार भगवान जो प्राकृत काम से युक्त हैं और वही कभी अप्राकृत दिव्य काम से युक्त हैं, उनका भी एक ऐश्वर्य में लोक है जहाँ वो अपनी शक्ति के सहित विद्यमान रहते हैं। संसार की कामनाओं में जब तक हमारी स्थिति है, प्राकृत काम में स्थिति है, तब तक वो भगवान का दिव्य काम, दिव्य भाव, जो भगवान के नित्य लीला का रसास्वादन, वो प्राप्त नहीं होता। जो प्राकृत काम के प्रतीक कामदेव और उनकी शक्ति रति तक ही जिनकी गति सीमित रहती है, वो भगवान के इस ऐश्वर्यमय लोक है जिसमें इस मंत्र का जप करते हैं, हे भगवान आप हो साक्षात लीला पुरुषोत्तम भगवान के ही विलास में स्वरूप हो, हमारे चित्त में जो कुछ भी चेष्टाएं हैं, चिंतन धाराएं हैं, उनमें भगवान की कृपा से केवल संसार की अविद्या का प्रभाव ना हो, आवरणात्मिका शक्ति का प्रभाव ना हो, आपको हमारा प्रणाम है। इस मंत्र का जप करते हुए स्तोत्र का पाठ करते हैं, हे भगवान जो आपको ही अपना रक्षक मानते हैं, आपको ही अपना सर्वस्व मानते हैं, आपकी आराधना करते हैं, उनको फिर संसार के असत पदार्थों में उतनी रुचि नहीं रहती। प्रियम धनायुंशी यतो स्वतंत्रा, आप ही सबके रक्षक हैं, पालक हैं, जो आपको अपने सर्वेश्वर परम प्रेष्ठ मान करके आपकी भक्ति करता है। नेवात्मलाभाद मन्यते परम, आपके भक्ति से अतिरिक्त तो और कोई उसको जीवन का परम लाभ दिखता नहीं है। हे भगवान आप हम पर कृपा करें जिससे ये संसार के जो अनित्य वासनाएं हैं उनसे हमारा जो आकर्षण है धीरे धीरे क्षीण हो जाए। वर्षी माम लक्ष्म वरेण्यमाया का ऐश्वर्य हितम, इसी तरह भगवान का ऐश्वर्य में लोक है जहाँ महामत्स्य अवतार से भगवान स्थित रहते हैं, प्रतिष्ठापित रहते हैं। काल की गति से रहित होने के लिए भगवान का मुख्यतम अवतार है, उनका भी एक विशेष धाम है, ऐश्वर्यमय लोक है। उस लोक के जो भक्तजन हैं, जो उन महामत्स्य भगवान की मंत्र का जाप करते हैं, उस मंत्र का जाप करते हुए प्रार्थना करते हैं, भगवान आप ही लीला पुरुषोत्तम भगवान के विलासमय रूप हो, विशुद्ध सत्य से युक्त होने पर ही हम काल की गति से रहित हो सकते हैं, हमारे प्राणों में इस प्रकार की शक्ति का संचार करें कि हमें संसार के माया मोह से निवृत्त हो करके आपके श्री चरणों में अनुराग हो, ऐसे महामत्स्य भगवान को नमस्कार है। इस मंत्र का जाप करते हुए स्तोत्र पाठ करते हैं कि हे भगवान आप ही हमारे ईश्वर हो, हम आपके कीड़ा मृग की तरह आपके संकेत से जिस प्रकार आपकी इच्छा होती है उसी प्रकार हमारे द्वारा क्रियाकलाप का संपादन होता है। एक भगवान सृष्टि के अंत में आत्यंतिक प्रलय में आप ही जीवों की रक्षा करके उन्हें अपने धाम में विराजमान करते हो, आपको हमारा नमस्कार है। तस्मै जगत प्राण गणात्मने नमः, चित शक्ति के रूप में, चित कला के रूप में जीवों की स्थिति सदा सर्वदा बनी रहे इसके लिए आप ही कारण हैं, आपको हमारा जो प्राणों में चित शक्ति का संपादन करने वाले हैं आपको नमस्कार है। इसी तरह कच्छप अवतार से भगवान, उनका भी एक ऐश्वर्यमय लोक है, जो
समुद्र मंथन की वेला में भगवान मंदराचल पर्वत को धारण करने के लिए इस कच्छप अवतार को धारण करते हैं, तो उनके भक्तजन इनकी महिमा का अनुभव करते हुए कि जो भी धारणा शक्ति है वो भगवान के कारण ही है, भगवान के उस विलासमय रूप के कारण है। इसलिए जो इनके भक्त हैं इस भगवान के रूप में समर्पित हैं, वो भी भगवान के इस रूप के मंत्र के जाप के द्वारा उनका ध्यान करते हैं। ओम नमो भगवते कुबाराय। ये भगवान आपकी लीला अद्भुत है, विशेष सत्व गुण में रहते हुए ही आप अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, अपनी गरिमा से महिमा से युक्त हैं, सब की स्थिति आपके कारण ही है, इसलिए आपको हमारा नमस्कार है। नमो नमो अवस्थान आय नमस्ते। यद्रूपम एतद् अवस्था तस्मै नमस्ते विपदेश रूपिणे ही। इस मंत्र का जाप करते हुए स्तोत्र का पाठ करते हैं। हे भगवान, आपके गुण अनंत हैं, आपका स्वरूप अनंत है, ये सब माया के गुणों से जो हमें संसार में जरायुध स्वेज नंदज चार प्रकार की सृष्टि के दर्शन होते हैं, उन सब में आप ही व्याप्त हैं। तस्मै नमः सांख्य निदर्शन आयते, ऐसे भगवत तत्व को हमारा नमस्कार है। इसी तरह भगवान का जो आधार शक्ति अथवा अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने वाला भगवान का वाराह रूप है, उनका भी एक ऐश्वर्यमय लोक है। उस लोक के वासी भगवान के इस प्रकार स्तुति करते हैं। ओम नमो भगवते मंत्र तत्व लिंगाय यज्ञ कृतवे महान्धराय अवयवाय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय युवाय नमस्ते। हे भगवान, आप मंत्रों का रहस्य जानते हैं, आधार शक्ति का उद्धार करके आपने वैदिक मर्यादा को स्थापित किया। वैदिक यज्ञ जो भगवान की सर्वव्यापकता का स्वरूप है, उसकी आपने प्रतिष्ठा की। हमारे कर्म शुक्ल गति से हो करके भगवत प्राप्ति में कारण बने, ऐसे त्रियुवाय नमस्कार। युग युगांतर में आपकी स्थिति रहती है, आपको हमारा नमस्कार है। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान के इस ऐश्वर्यमय लोक में जो भक्तजन वास करते हैं, उनका इस प्रकार स्तुति भी करते हैं। गुणम किरार्थे नमीरितात्मने, हे भगवान, आपकी लीला गहन है, आपको हमारा नमस्कार है। जो भी संसार में स्थिति अथवा उसकी रक्षा अथवा उसका संहार करना, ये आपके कारण ही होता है। ग्रामणों नमस्ते गुणकर्म साक्षिणे, आप हमारे कर्मों के साक्षी हैं। आपने हिरण्याक्ष दैत्य को मार करके आधार शक्ति का उद्धार किया, जो कल्प के अंत में जलमग्न हो जाती है। उस समय आधार शक्ति आपके मुख में इस प्रकार बोध हो रहा था जैसे कीड़ा यंत्र आपने अपने मुख में रखा हो। कीड़े में नेवा प्रणतास्मितम विभुम, ऐसे भगवान आपके विलास में स्वरूप को नमस्कार है। इसी प्रकार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी साकेत धाम है, जहाँ अपने भक्तों के साथ लक्ष्मणाग्रम सीता विरामम तच्चरण सन्निकर्षरता परम भागवतो हनुमान सह किम पुरुषे वृत भक्तिरास्ते। हनुमान जी के द्वारा सेवित, अपने अन्य भ्राताओं के द्वारा सेवित भगवान अपनी आह्लादनी शक्ति जगत जननी सीता के द्वारा साकेत धाम में अपने धराधाम की लीला का संवरण करके विराजमान रहते हैं। उनके इस प्रकार मंत्र से जाप करते हैं। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय आरिलक्षणशील व्रताय, हे भगवान, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपके कर्म आदर्श रूप में होने के कारण सबको उससे शिक्षा की प्राप्ति होती है। उसके अनुसार जीव आचरण करते हुए अपने भौतिक कर्मों को करते हुए भी, माई कर्मों को करते हुए भी आपके धाम साकेत धाम में उसकी प्रतिष्ठा होती है। आपको हमारा नमस्कार है। नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः।
इस प्रकार मंत्र का जाप करके स्तोत्र का पाठ करते हैं साकेत धाम के भक्तजन। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आप विशुद्ध सत्व से युक्त हो, अपने तेज से प्रकाशित होने वाले स्वयं प्रकाश हो, हमेशा अपने स्वरूप में स्थित रहने वाले नाम रूप से परे आपको हम नमस्कार करते हैं, निरहम प्रपद्ये आपकी शरणापन्न है। आपका जो अवतार है दूसरों को शिक्षा के लिए ही होता है, इसमें केवल लक्ष्यों का बद्ध तो एक औपाधिक कार्य है, आपका औपचारिक कार्य है। नवैस आत्मा आत्मताम सुरितमा, हे भगवान आप कि इस लोकानुरंजन वाली स्थिति, प्रजा को पालन करने वाली, प्रजा से पुत्रवत स्नेह करने के कारण कभी आप जगत जननी सीता का भी वाल्मीकि के आश्रम में प्रतिष्ठा करने के लिए आज्ञा देते हो, कभी 14 वर्ष तक जो निरंतर आपकी सेवा में रत रहे, क्षुधा पिपासा निद्रा आदि का संयमन करके आपकी सेवा में रहे, कभी किसी अपराध के कारण उनको भी 1 वर्ष के लिए अयोध्यापुरी से निष्कासित करने में संकोच नहीं करते, लक्ष्मण जी को भी निष्कासित करने में एक प्रयोजन होता है और उस प्रयोजन के कारण थे दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि किसी समय अयोध्यापुरी में भगवान के दर्शन के लिए आए और लक्ष्मण जी द्वार में स्थित थे, द्वार में स्थित होने के कारण राजाज्ञा के अनुसार उन्होंने दुर्वासा जी को रोकते हुए कहा, भगवान की जब आज्ञा होगी तो आपको दर्शन कराएंगे, अभी आप प्रतीक्षा करें। शंकर के अवतार होने के कारण, अंशावतार होने के कारण उन्हीं की तरह गुणों, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, क्षण में रुष्ट भी हो जाते हैं, क्षण में प्रसन्न भी हो जाते हैं। दुर्वासा जी लक्ष्मण जी से कहने लगे कि तुम हमारे लिए भी भगवान की आज्ञा, भगवान के दर्शन तो जब चाहें हम कर सकते हैं, इसलिए यदि तुम हमें अवसर नहीं देते तो तुम्हारी अयोध्यापुरी को इसी समय हम जलमग्न कर देते। लक्ष्मण ने सोचा कि भगवान की आज्ञा तो है, परंतु यदि इस अयोध्यापुरी को ही इस प्रकार अपने क्रोध से पलट देते हैं, जलमग्न कर देते हैं, तो जो भी मुझे दंड प्राप्त हो इनको जाने दिया जाए। भगवान शंकर के अंशावतार होने पर लीला का संवर्णन करते हुए भगवान राघवेंद्र सरकार इसी विचार में मग्न थे कि जो जड़ चेतन पदार्थ हैं धराधाम की लीला में हमारी सेवा में अनुरक्त हैं, जो भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए, भगवान के धाम की प्राप्ति के लिए, उसमें अधिकारी और अनधिकारी का भेद की चिंता में थे, इसी निश्चय पर अपनी आलादनी शक्ति कृपा से पहुँचे कि सभी भगवान के लीला में, चाहे वो जड़ तत्व हो चेतन तत्व हो, सभी भगवान की लीला में कुछ ना कुछ संयोग सहयोग करते ही हैं, इसलिए सभी को भगवान अयोध्यावासियों में जो जड़ चेतन भगवान के इस लीला में प्रविष्ट हुए हैं, उन सबको भगवान साकेत धाम में लेने का संकल्प करते हैं। उसी निश्चय को दृढ़ करने के लिए दुर्वासा जी का आगमन हुआ था। दुर्वासा जी जाकर भगवान को प्रणाम करते हैं, हे भगवान आपका अभिनंदन है, मैंने आपको किसी विशेष जिस की चिंता में आप थे उससे मैंने सोचा कि मेरा भी कुछ सहयोग हो, क्योंकि भगवान शंकर भी जो हमारी अंतिम स्थिति होती है तो उसमें तारक अथवा पारक मंत्र का उपदेश दे करके भगवान शंकर जीवों का उद्धार करते हैं। जिस प्रकार भगवान लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में सर्वथा अनुरक्त हैं और अपने भक्तों को भी, संसारी जीवों को भी अपेक्षा करते हैं कि उनकी भी स्थिति इसी प्रकार भाव में ही हो, दुर्वासा जी की बात सुनी, भगवान शंकर का ही अवतार होने के कारण, क्योंकि जीवन में जब अंतिम जो स्थिति है उसकी प्रधानता होती है,
अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेव रंजो। अंतिम समय में यदि भगवान की स्मृति पूर्वक हमारा देह का उत्सर्ग होता है तो उसमें समग्र जीवन में जो भी हमारे द्वारा उचित अनुचित अथवा जैसे भी कार्य होंगे उसके लिए भगवान नाम संकीर्तन की विशेष शक्ति के द्वारा उसका उपसंहार कर देते हैं। परंतु जब बाहर आए भगवान राघवेंद्र सरकार तो उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी भले ही तुमने भय से इनको आने दिया परंतु एक वर्ष के लिए तुम्हारा अयोध्यापुरी से निष्कासन की आज्ञा प्राप्त हो न लक्ष्मणम चापि विहातुम। ऐसे भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, उनके लिए चाहे देवता हों चाहे असुर हों चाहे नर हों चाहे बानर हों, जो सर्वात्म भाव से एक बार भी प्रार्थना करता है भगवान में आपकी शरण में हूँ तो भगवान साकल्प जरूर उनको सदा सदा के लिए निर्भय कर देते हैं, आश्वस्त कर देते हैं। ऐसे भगवान राघवेंद्र सरकार को हमारा नमस्कार है। ये सब जो स्थिति है भारत के भूभाग में जहाँ की रक्षा के लिए निरंतर नारायण परायणाः जीव को ज्ञान और वैराग्य भगवान महानारायण की कृपा से प्राप्त रहता है, ये भारत की भूमि की ही विशेषता है कि यहाँ अंत समय क्या सभी अवस्थाओं में जो संसार का स्वरूप है उसका हमें बोध बना रहता है। मायिक जो पदार्थ हैं उनकी अनित्यता का बोध बना रह जाता है। हमें जो संसार में प्रवृत्ति के मूल हैं उनमें भी विवेक विचार रहता है। पुत्र कलत्र धन आदि का चिंतन करते हुए भी हम सोचते हैं कि ये अंत तक हमारी स्थिति ना रहे, नहीं तो जो जीवन का परम लाभ है उससे हम वंचित हो जाएंगे। ये महानारायण की कृपा है जिसके कारण हमें ये अज्ञान की ग्रंथियों से रहित होने की प्रेरणा प्राप्त होती रहती है, अहंता ममता से रहित होने की प्रेरणा प्राप्त होती रहती है, अपने स्वभाव को अभाव शून्य अभाव और भाव ये इसी प्रकार जो प्रवाह है ये चलता रहता है। जब तक हम अपने शून्य तत्व सब कुछ आखिर में एक स्थिति में जा कर के जो भी चिंतन धाराएं वो स्वप्नवत मिथ्या हो जाती हैं। संसार में अभाव की सृष्टि होती है, कर्मों में जो भाव की स्थिति है वो नहीं होती, और वो अभाव की स्थिति में रहते हुए ही हम भाव की पराकाष्ठा को प्राप्त करते हैं। इसलिए स्वभाव की सृजन के लिए भगवान से महाभाव की प्राप्ति हो ऐसी हम पर कृपा करें। ऐसे महानारायण भारत के भूभाग में इसी प्रकार दिव्य पर्वत हैं जहाँ भगवान के लीला विहार क्षेत्र हुए। उन पर्वतों में त्रिकूट पर्वत है, देवगिरी पर्वत है, श्रीशैल पर्वत है, वेंकटाचल पर्वत है, गोवर्धन पर्वत है। इन सब पर्वतों में भगवान के विविध स्वरूपों के विलासमय स्वरूपों के लीला विहार क्षेत्र रहे हैं। इसी तरह नदियों के संगम में भगवान की लीला होती है, उसमें कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, मंदाकिनी है, सरस्वती है, गोमती है, सरयू है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, ये सब नदियाँ इस भारत के भूभाग में विशेष रूप से भगवान के लीला विहार क्षेत्रों के स्वरूप में हमें इनके दर्शन होते हैं। ऐसे भारत के भूभाग में जो अपना कल्याण करने के लिए भगवान की नित्य कृपा को प्राप्त करते हैं उनको देख करके देवता भी सोचते हैं कि इन्होंने कौन से ऐसे शुभ कर्म किए जो इस प्रकार भारत के भूभाग में भगवान के दिव्य लीला विहार क्षेत्रों में वास करते हुए पवित्र दिव्य नदियों में स्नान करते हुए उन पर्वतों का आश्रय लेकर के परिक्रमा करते हुए इन्होंने अपने जीवन का परम लाभ प्राप्त कर लिया। हम केवल इस देवलोक की प्राप्ति जो शुभ कर्मों के प्रभाव से हमें प्राप्त हुई, यहाँ न भगवान की स्मृति है, न भगवान का नाम है, न भगवान के गुणों की चर्चा है।
इसलिए हम सोचते हैं कि इस भारत के भूभाग में एक क्षण के लिए भी हमारा वास हो और देवलोक में कल्प कल्पांतर तक भी वास हो, परंतु जो भारत के भूभाग में एक क्षण भी है, एक क्षण में अभी हम भगवत भक्ति परायण हो करके अपना कल्याण कर लेते हैं। इसलिए देवलोक का जो आकर्षण है वो मोह के कारण, माया मोह के कारण, अविद्या के आवरण के कारण ही होता है, जो उसी को प्रधान देते हैं। स्वयं देवता भी कहते हैं सुरेश लोको भी नवे सेवेता, कभी भूल करके भी देवलोक में अपनी प्रतिष्ठा के लिए इच्छा नहीं करना। यहाँ न भगवान की कथा है, न भगवान के महापुरुष हैं, न उनका आश्रय हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार जो भगवान के अवतारी धाम हैं, जहाँ भगवान के अवतार पूर्ण जो हैं, वो तो भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हैं, परंतु उनकी पूर्णता से ये सभी अवतार पूर्ण हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे द्वीप हैं जहाँ भगवान के विभूतियों का अवतरण होता है, उन भगवान की विभूतियों का उन द्वीपों में भक्तजन स्मरण करते हैं। उसका भी वर्णन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अनंत जो ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों में विभिन्न प्रकार से जो भक्तजन हैं, विभिन्न प्रकार से जो प्राकृत भाव है, प्रकृति के गुणों का भाव है, रहते हुए भी जीव भगवान के इन विविध विभूतिमय स्वरूपों को ध्यान करते हुए अपना कल्याण करते हैं। ऐसे ही जो द्वीप है जम्बूद्वीप, तो भारत का भूभाग है, इससे दुगुण परिमाण वाला प्लक्षद्वीप है। इस प्लक्षद्वीप में जो प्रियव्रत ने अपने सात पुत्रों को सात द्वीपों का सृजन करके अपनी महिमा से उनमें प्रतिष्ठापित किया, इसमें प्रियव्रत के पुत्र इद्मजीव प्रतिष्ठापित रहते हैं। यहाँ दिव्य पर्वतों के रूप में सात दिव्य पर्वत हैं, मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिषमान, स्वर्ण हृष्टि व मेघमान। इसी तरह यहाँ की दिव्य नदियाँ हैं अरुणा, निर्मला, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, रितंबरा, सत्यम्बरा, जिनके निर्मल जल के स्पर्श से, दिव्य जल के स्पर्श से उन्हें जो मायक का माई गुणों से रहित होने की प्रेरणा प्राप्त होती है। यहाँ भगवान के विभूति स्वरूप सूर्य की उपासना करने वाले भक्तजन रहते हैं, उन भगवान सूर्य को ही साक्षात भगवान का विलासमय स्वरूप मान करके प्रार्थना करते हैं, हे भगवान अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अविद्या से विद्या की प्राप्ति करने में आप ही की ही प्रधानता है, आपको हमारा नमस्कार है, आपका हम ध्यान करते हैं। इसी प्रकार प्लक्षद्वीप से दुगुण विस्तार वाला एक द्वीप है, यहाँ भी इस द्वीप का अधिपति हैं यज्ञ बाहु हैं प्रियव्रत के पुत्र। अपने परिजनों के द्वारा यहाँ भक्तजनों की सेवा करते हैं। यहाँ के दिव्य पर्वतों में वामदेव, शतसिंह, कुंद, मुकुंद, पुष्पवत, सहश्रुति, इसी तरह दिव्य नदियों में अनुमति, सिनीमाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका है। यहाँ के भक्तजन भगवान के विभूति चंद्रमा की उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप अमावस्या के बाद अपनी कलाओं के बढ़ते हुए और पूर्णिमा के बाद कलाओं के घटते हुए रहते हुए भी आप अपने स्वरूप में स्थित हो, लीला पुरुषोत्तम भगवान का ही आप विभूति में स्वरूप हो, आपको हमारा नमस्कार है। प्रजानाम सर्वासाम सोमो नः आसुति, सभी के हृदय में भाव का संचार करें, आपको हमारा नमस्कार है। इसी तरह द्वीपों में कुछ द्वीप है, यहाँ भी जो द्वीपा अधिपति है हिरण्यरेतस, जो प्रियव्रत के पुत्र हैं, अपने स्वजनों परिजनों के द्वारा वो भी यहाँ के दिव्य पर्वतों, दिव्य नदियों में भागवत धर्म को अनुष्ठान करते हुए अपना कल्याण करते हैं। यहाँ भी भगवान के उस विभूतिमय स्वरूप अग्नि तत्व की उपासना करते हैं।
आप अंतराग्नि से वैश्वनाग्नि के रूप में भी स्थित हैं, ज्ञानाग्नि के रूप में भी आप ही स्थित हैं, आप परब्रह्म परमात्मा के साक्षात स्वरूप हैं, आपको हमारा नमस्कार है। इसी प्रकार क्रौंच द्वीप है द्विगुण विस्तार वाला, यहाँ का जल घृत की तरह स्नेह का संचार सब में करता है। यहाँ भी जो क्षेत्राधिपति हैं वो घृतपृष्ठ जो प्रियव्रत के पुत्र हैं, यहाँ के अधिष्ठाता हैं। दिव्य पर्वतों में यहाँ के मधुरूह मेघपृष्ठ सुधामा ब्राजिष्ठ लोही तारण वनस्पति आदि हैं। इसी प्रकार यहाँ के दिव्य नदियों में अभया नदी है, अमृतोघा नदी है, आर्यका नदी है, तीर्थवती वृत्ति रूपवती पवित्रवती शुक्ला आदि। यहाँ के वासी भक्तजन भगवान के उस जल तत्व को वरुण देवता की उपासना करते हैं। हे भगवान, आप भूलोक में भूवरलोक में स्वर्लोक में सर्वत्र व्याप्त हैं, हमारे जो अंतःकरण की दोषों को आप निवृत्त करने में कारण बने, आपको हमारा नमस्कार है। इसी तरह शाकद्वीप है द्वात्रिंशत लक्षण योजन वाला, ये शाकद्वीप जहाँ का जो जल है दधि की तरह उनसे आस्वादन होता है। मेधातिथि नाम के जो प्रियव्रत के पुत्र हैं इसके अधिष्ठाता रहते हैं इस पुरी के इस धाम के। यहाँ भी जो दिव्य पर्वत हैं ईशान उरु श्रृंग शतशेषर सहस्रोत वलभद्र देवपाल महामनस, इसी प्रकार जो दिव्य नदियाँ हैं जिनके पवित्र निर्मल जल से दिव्य जल में स्नान करके पातकों से निवृत्ति हो पाती है। शतकेशर अनघा आयुर्दा उभय सृष्टि अपराजिता पंचपदी सहस्रुति निजश्रुति, यहाँ के जो भक्तजन हैं वो भगवान के उस अंतर्यामी स्वरूप को जो सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं उनकी इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, आप सर्वव्यापक हैं, सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थिर होकर के उनकी जो भक्ति भाव है आपके शिव चरणों में उनकी निरंतर आसक्ति रहे, ऐसे आपके अंतर्यामी रूपी ईश्वर को हमारा नमस्कार है। इसी तरह पुष्कर द्वीप है इससे दुगुनी विस्तार वाला, जहाँ का जल सर्वथा निर्मल जल है, यहाँ के भी जो अधिष्ठाता हैं वीति होत्र हैं प्रियव्रत के पुत्र वीति होत्र, ये भी भगवान के उस निवृत्ति प्रायण स्वरूप का ध्यान करते हैं, जो हमारे कर्मों के साक्षी हैं, जो चेतन शक्ति से युक्त हैं, जो अपने स्वरूप में स्थित हैं, ऐसे एकांत मद्वयम शांतम तस्मै भगवते नमः, ऐसे भगवत तत्व को हमारा नमस्कार है। सुखदेव जी महाराज अनंत कोटि भगवान के विलास में धाम हैं, अनंत कोटि ऐश्वर्य में लोक लोकांतर हैं, इसलिए जिसकी जहाँ कर्मों में गति होती है उसके अनुसार विभिन्न भिन्न चेष्टाओं चिंतन धाराओं के अनुसार उन्हें इन लोक लोकांतरों में कहीं ना कहीं स्थिति हो जाती है। यदि हम अपने कर्म से माया के राज्य से सर्वथा निवृत्त नहीं हुए तो इसी प्रकार ग्रहों की नवग्रहों की भी स्थिति है। नवग्रहों की स्थिति में जो ग्रहों के अधिष्ठाता हैं भगवान आदित्य हैं सूर्य हैं निरंतर संक्रमण करते हैं, जब मेष और तुला राशि में संक्रमण करते हैं तो दिन और रात समान हो जाते हैं, जब वृषभ आदि पंच राशियों में संक्रमण करते हैं तो दिन बड़े हो जाते हैं रात्रि छोटी हो जाती है, इसी प्रकार जब वृश्चिक आदि पंच राशियों में संक्रमण करते हैं तो इससे विपरीत यानी दिन छोटे हो जाते हैं रात्रि बड़ी हो जाती है, कभी उत्तरायण में संक्रमण करते हैं कभी दक्षिणायन में संक्रमण करते हैं, ऐसे सूर्य भगवान 9,51,00,000 मार्ग प्रतिदिन तय करते हैं। कभी देवादि लोकों में जब प्रतिष्ठा होती है तो पृथ्वी आदि मध्य लोक में अंधकार हो जाता है, जिस प्रकार कुलाल चक्र की तरह भ्रमण करते हैं इसी प्रकार भगवान आदित्य की स्थिति है, एक क्षण भी उनको विश्राम प्राप्त नहीं होता। इनके
लोक लोकांतरों में गति के कारण ही कभी इन्हें परिवत्सर के रूप में, कभी ईड़ावत्सर के, कभी अनुवत्सर के रूप में इनके मंद शीघ्र और समगति के कारण इनको संबोधित किया जाता है। इसी तरह ग्रहों में चंद्रमा है जो लक्ष्य योजन ऊपर उनकी स्थिति है, ऐसे अपने कलाओं के द्वारा निरंतर औषधियों को तृप्त करने वाला जो सोम चंद्रमा का स्वरूप है, ये अमृतमय स्वरूप है। इसके ऊपर तीन लक्ष्य योजन जो विराजमान ग्रह है वो है शुक्र ग्रह है। ये सबके लिए अनुकूल ग्रह है, वर्षा इसी के कारण होती है। मीयते वृष्टि विश्रम्भ ग्रहोपशनः, शुक्र ग्रह से ऊपर बुध ग्रह की स्थिति है, ये भी सोम के पुत्र होने के कारण शांत ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। इनसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता जीवों को। इससे ऊपर दो लक्ष्य योजन ऊपर भगवान बृहस्पति जो एक एक राशि में एक एक वर्ष तक संक्रमण करते हैं, प्रायः ये भी अनुकूल हैं ब्राह्मण कुलस्य। इससे ऊपर शनिश्चर का वास स्थान है जो एक एक राशि में 30-30 मास तक संक्रमण करते रहते हैं, प्रायेण सर्वेशाम अशांति करहा, प्रायः सबको अशांति देने वाले हैं। इनसे ऊपर भगवान का विलास में स्वरूप है, विलास में धाम है जो भगवान महाविष्णु जो भगवान के विलास में रूप है, वैकुंठ धाम है। भगवान के धाम अनंत हैं, उन भक्तों के प्रेरणा से उनको उन धामों में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की सुविधा होती है। ये ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारागण हैं, ये भगवान का आदिदेविक स्वरूप है। ऐसे भगवान के आदिदेविक स्वरूप को जो सुबह मध्यान काल में और सायंकाल में ध्यान करता है, नमस्कार करता है, तो उस काल में होने वाले जो पातक हैं उसके नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार ये विशेष जो ऐश्वर्य में लोकों की बात बताई, उसी प्रकार जो आसुरी लोक हैं, आसुरी लोक में सात नीचे के लोक हैं जिसमें अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। मय नाम का जो दानव है अपनी कौशलता से उसने इस प्रकार इन सात जो अतल आदि लोक हैं, असुरों के लोक हैं, उनको इस प्रकार सुसज्जित किया है कि यहाँ निरंतर दिव्य मणियों के प्रकाश से प्रकाशित रहता है। यहाँ के दिव्य उद्यान हैं जिसमें बिना ऋतु के ही पुष्प फल आदि की प्राप्ति होती रहती है। यहाँ रात्रि और दिन का विभाग नहीं रहता, उन दिव्य मणियों के जो उसमें महान जो फणों वाले सर्प आदि हैं उनकी मणियों से नित्य निरंतर प्रकाश रहता है। ऐसे आश्री लोकों में जो अतल लोक है वहाँ मय का पुत्र बल निवास करता है। अपनी 96 प्रकार की मायाओं से युक्त होने के कारण वो अपने को ही ईश्वर मानने लगते आते हैं। ईश्वरो हम सिद्धो हम सिद्ध हैं। उससे और नीचे वितल लोक है जहाँ के जो असुर हैं हाटकेश्वर महादेव की उपासना करने के कारण हाटकेश्वर भगवान अपनी हाटकेश्वरी शक्ति के द्वारा तरह तरह के रत्नमणि आभूषण से युक्त उनको करते हैं। उन अपने ऐश्वर्यों के साथ वो उस लोक में रहते हुए भी, आसुरी लोक में रहते हुए भी अपने को देवलोक से कम सौभाग्यवान नहीं समझते। उससे नीचे सुतल लोक है, यहाँ ये सुतल लोक में बलि भगवान वामन के साथ संरक्षित विद्यमान रहते हैं। तीन पग पृथ्वी दान करने का ये फल उसको प्राप्त हुआ कि जिसके कारण भगवान वामन निरंतर उसकी संरक्षण करने के लिए वहाँ विद्यमान रहते हैं सुतल लोक में। उससे और नीचे का लोक है, तलातल लोक है जहाँ भगवान त्रिपुराधिपति महादेव की उपासना करते हुए मय नाम का दानव वहाँ
वास करते हैं। महादेव जी की कृपा से उन्हें फिर सुदर्शन चक्र का भय नहीं रहता। उससे नीचे आसुरी लोक है जिसमें महातल है, इसमें कालीय नाग, कुहक नाग हैं, तक्षक नाग हैं, सेन आदि महाभोगवान महान फणियों खणों के द्वारा अपने उस महातल को देदीप्यमान प्रकाशमान करते हुए विद्यमान रहते हैं। उससे नीचे रसातल है और सबसे नीचे आसुरी लोक में पाताल है। ये भगवान का विराट रूप ही है जो नीचे के लोक हैं, इसीलिए भगवान के महाविराट रूप में इनको चरणों की उपमा दी है। भगवान के इस विराट रूप में जो आसुरी लोक हैं पाताल आदि तक, परंतु इन सब लोकांतरों को धारण करने के लिए भगवान संकर्षण हैं। भगवान संकर्षण भगवान की ही जो शक्ति है, महामाया की शक्ति है, उसके प्रभाव से युक्त होने के कारण ही उनमें ये सामर्थ्य आता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करने वाला उनका प्रभाव है।